अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सी कैप को फिल किया था और साथ साथ उन्होंने फिर डन क्लेम फॉर्म फिल किया। ठीक है, तो क्लेम फॉर्म अभी तक जिन बच्चों ने फिल नहीं किया उनको बता देता हूँ कि 5 अगस्त मतलब 5th अगस्त आपकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने क्या करना है, अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि क्या हो सके, आपका क्या हो जाए, आपके एडमिशन हो जाए। क्लेम फॉर्म के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल बताया था आपको, डिटेल्स में तमाम चीजें बताया था कि कौन कौन क्लेम फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन फिर मैं आपको इस वीडियो में जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं वो भी सुन लें। ठीक है, वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज इतनी थी कि उनके किसी और कॉलेज में एडमिशन हो सकता था लेकिन क्या हुआ, उनका उसमें एडमिशन नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, क्लेम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका उन्होंने 5 फील रखा था और उनका एडमिशन उस फील में नहीं हुआ बल्कि किसी और कॉलेज के किसी और फील में हो गया, लेकिन उनकी इतनी परसेंटेज है, उनके इतनी कट ऑफ मार्क्स है कि उनका उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट भी फेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम फॉर्म। साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना प्री इंजीनियरिंग लेना था और उनको कॉमर्स मिल गया, या कुछ ऐसे स्टूडेंट को कॉमर्स लेना था उनको प्री इंजीनियरिंग मिल गया, इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, या कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स या प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनको अपनी फील्ड को चेंज करना है और किसी और कॉलेज में उनके लिए जगह है। ठीक है, और उस फील्ड के लिए, उस परसेंटेज के लिए वो फील्ड उनके पास है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना फॉर्म को, क्लेम फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसकी मदद से वो अपने कॉलेज को चेंज कर सकते हैं और अपनी फैकल्टी मतलब अपने फील्ड को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप क्लेम फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक दफा फिल कर सकते हैं। अगर आपने एक दफा फिल कर लिया उसके बाद आप री अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार कर लिया तो वो हतमी होगा, आपका वहीं पर एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लेम फॉर्म फिल किया था और उनका कॉलेज कहीं और आ गया। ठीक है, अब उनको उस कॉलेज में नहीं पढ़ना या वो उनका कॉलेज बहुत दूर है। ठीक है, तो वो ट्रांसफर फॉर्म को यूज करके ट्रांसफर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर फॉर्म से क्या होता है कि उनका कॉलेज तो वही रहेगा जहां पे उनका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, लेकिन उनके जो क्लासेस हैं वो क्या होगा, वो उनके किसी करीबी कॉलेज की तरफ किया लिया जा सकता है। ये गर्ल्स को प्रॉब्लम आता है कि वो दूर नहीं जा पाती हैं, तो वो इस तरीके से क्लासेस ले सकती हैं। ठीक है, ट्रांसफर फॉर्म को फिलअप करके। तो ये मेरा आपको बताना था, ये तमाम डिटेल्स जो था जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था और आपके क्लेम फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट था। मेरे चैनल के अंदर फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स अपलोड हैं और क्या करने जा रहा हूँ मैं, फिजिक्स की जो न्यू बुक आने जा रही है और साथ साथ कंप्यूटर की जो न्यू बुक आएगी उसके भी लेक्चर्स मैं आपको अपने इस चैनल के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तो बस ये कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो डिटेल्स मैं बताया उस पर फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। क्लासेस का आगाज 5th अगस्त से ही कहा गया है, जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं वो जल्द अज जल्द अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने कॉलेज जा करके कन्फर्मेशन करवा लें और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा दें। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।